पिछले 200 सालों में रेलवे ने पूरी दुनिया में अपना जाल बिछाया है। आज हम रेलवे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकते। वहाँ पर दुनिया के किसी भी ट्रेन ड्राइवर को भेज दो तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंडिया से लेकर जापान तक, पेरू से लेकर फिलीपींस तक, सबसे मुश्किल हालातों में सबसे शानदार इंजीनियर। ये रेलवे इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हाईटेक से लेकर होममेड तक, पहले लेफ्ट पांव और फिर राइट पांव से करना है। इनक्रेडिबल जर्नीज एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ। सर ठंड से हो रही है, तेरे से हमारे जाना सा लग रहा है, सर सुना रहे हैं। आइए देखते हैं दुनिया की से एक्सट्रीम रेलवे। नंबर 9 पर है पेरू। ट्रेन चलाने के लिए इससे ज्यादा खतरनाक जगह और कोई नहीं हो सकती। पहाड़ के किनारे पर, जमीन से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर, उस ट्रेन को ड्राइव करना जिसमें हजारों टन मेटल्स लदा हो, अगर यहाँ पर एक्सीडेंट हो जाए, डिरेलमेंट हो जाए, तो क्लिफ से नीचे गिरने का, माउंटेन से नीचे गिरने का खतरा हो जाएगा। इसके लिए कंट्रोल और उससे भी ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। यहाँ पर दुनिया के किसी भी ट्रेन ड्राइवर को भेज दो तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस जगह को देखकर। द फेरोकैरियल सेंट्रल एंडीनो, दुनिया का सबसे खतरनाक ढलान वाला ट्रैक। द अल्टीप्लानो पेरू, एक खुला मैदानी इलाका जहां पर बिछा हुआ है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ट्रैक। ये ट्रेन 2450 टन लेड, जिंक और सिल्वर से लदी हुई है, जिसे देश की सबसे बड़ी माइन से लाया गया है। इसे बेहद ही खतरनाक सफर पर निकलना है, जो इसे एंडीज के ऊपर मौजूद माइन से दुनिया के सबसे ढलान वाले ट्रैक से होते हुए कोस्ट तक ले जाएगा। अपने सबसे ऊंचे पॉइंट से ये लगभग 112 किलोमीटर के फासले में 13,000 फुट नीचे पहुंचती है। ये भयानक ढलान इस सफर को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। आमतौर पर अगर किसी फ्रेट ट्रेन को सुरक्षित तरीके से इतनी नीचे तक पहुंचना हो तो वो इससे दुगना फासला तय करती है। इसे 1870 में 10,000 लोगों ने बनाया था। ये 19th सेंचुरी के सबसे एम्बिशियस रेल बिल्डिंग प्रोजेक्ट में से एक था। ये रेलवे इंसानों की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स में से एक है। ये पर्सनली मुझसे जुड़ा है क्योंकि मेरे एंसेस्टर हेनरी मैग्स इसे बनाने वाले इंजीनियर्स में शामिल थे। ये आइडिया वाकई कमाल है कि सबसे ऊंचे पहाड़ी इलाकों में इस तरह की रेल लाइंस को बिछाया जाए, वो भी 19th सेंचुरी में। ये वाकई में कमाल है। वो इंजीनियर सच में काबिले तारीफ है जिन्होंने वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछा दिया जहाँ पर सड़कें तक नहीं थी। चट्टानों के सामने से, पहाड़ों के अंदर से, घाटियों के ऊपर से वो ट्रैक को बिछाते रहे। और आज तब के बने ढलान वाले ट्रैक पर माल से भरी भारी ट्रेन्स को चलाने का काम सिर्फ डैनियल गार्सिया जैसे स्किल ड्राइवर्स ही कर सकते हैं। इस ट्रेन को ढलान से नीचे ले जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हौसला चाहिए और साथ ही आपका पूरा फोकस चाहिए, क्योंकि अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान भटके तो आपकी जान जा सकती है। लेकिन डैनियल सिर्फ पुराने पत्थर नहीं लेकर जा रहे, इनके पीछे के वैगन्स में लेड भरा है। यहाँ सिग्नल्स और सेफ्टी बैरियर्स ना के बराबर हैं, जिससे रिस्क और बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर सबसे जरूरी होता है ट्रेन को कंट्रोल में रखना। एक कार को ढलान पर ड्राइव करने की बात अलग होती है, पर ट्रेन का वजन बहुत ज्यादा होता है। जरा सोचिए, 2500 टन भारी माल। ये जो पीछे भारी सामान होता है ये इंजन को आगे धकेलता है। ये पूरा सफर ब्रेक्स का खेल होता है और इसमें होती है 4 तरह की ब्रेक्स और साथ ही इनके पास होता है एक 3900 हॉर्स पावर का डीजल इंजन जो अपनी पावर से भारी वैगन्स को पीछे रोक के रखता है। ज्यादा धीरे होने पर ब्रेक्स चल भी सकती हैं, ज्यादा तेज होने पर ट्रेन पटरी से उतर सकती है। पर ये रेलवे पेरुवियन इकोनॉमी की जान है। जो मिनरल्स ये ले जाते हैं वो पेरू के एक्सपोर्ट्स का 60% हिस्सा है और इसलिए ये जरूरी होता है कि हर ट्रिप में ज्यादा से ज्यादा माल ले जाएं। और ज्यादा वजन का मतलब डैनियल के लिए ज्यादा खतरा और इनकी वाइफ के लिए ज्यादा चिंता। 15 घंटों के लंबे और दिल दहला देने वाले सफर के बाद ये ट्रेन आखिरकार अपने कीमती माल के साथ पहाड़ के नीचे पहुंच चुकी है, जो कि डैनियल की फैमिली के लिए खुशखबरी है।
नंबर 8 पर है न्यूयॉर्क सिटी के बिल्कुल बीच में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा सीक्रेट मैनहट्टन। और इसके बीच है एक बेहद ही मशहूर रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल। इसके नीचे छिपा है एक गहरा राज, एक ऐसा रेलवे ट्रैक जो ग्रिड पर नहीं है। जहां पर हम इस वक्त हैं, ये ट्रैक और प्लेटफॉर्म एरिया है, ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसकी लोकेशन के बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। जरा सोचिए, स्टेशन के नीचे एक सीक्रेट प्लेटफॉर्म, लगता है जेम्स बॉन्ड मूवी का कोई सीन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, 44 प्लेटफॉर्म्स, 67 ट्रैक्स, और हर रोज 7.5 लाख लोगों का आना जाना। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। रूट काफी बिजी है, थोड़ा अलर्ट रहे। ये हमारा कमांड सेंटर है, यहाँ सब कुछ कंट्रोल होता है। आप मानेंगे नहीं, हम हर 54 सेकंड में प्लेटफॉर्म से एक ट्रेन चलाते हैं। 2 मिनट और। आपकी ट्रेन 11:04 पर 108 ट्रैक स्टैमफोर्ड लाइन पर आएगी। इंफॉर्मेशन डेस्क पर स्टाफ हर 1 घंटे में 1000 सवालों के जवाब देता है। बहुत काम होता है पर हमें अच्छा लगता है। वी लव व्हाट वी डू। चलिए अब हम चलते हैं नंबर 7 के लिए एशिया, थाईलैंड, द वर्ल्ड्स स्ट्रेंजेस्ट। सुबह के 9:40 हुए हैं बैंकॉक में, और ये है ट्रेन नंबर 4381 के ड्राइवर। इनका काम इस ट्रेन को मैकलोंग स्टेशन तक पहुंचाना। बहरहाल मैकलोंग में लोकल मार्केट अपने पूरे शबाब पर है। जिरत सिसोकॉन ने खरीदा है थोड़ा सी फूड, जिसके लिए ये मार्केट फेमस है। पास ही में वोनिडा पिंटोंग भी अपने काम में लगी हुई हैं। बहुत से लोग यहाँ ताजी सब्जियां, मसाले और फल खरीदने आते हैं। ये एक टिपिकल थाई मार्केट लगती है, पर यहाँ एक प्रॉब्लम है कि ये मार्केट रेलवे ट्रैक पर है और सिर्फ 5 मिनट में गुजरने वाली है इस ट्रैक पर ट्रेन नंबर 4381, और वो ठीक उस जगह से गुजरेगी जहाँ पर खरीदारी कर रही है जिरत और वोनिडा। ऐसा पागलपन मैंने पूरी दुनिया में कहीं नहीं देखा। लोगों से भरे बाजार की तरफ बढ़ती हुई एक ट्रेन, ना जाने अब क्या होगा। मैकलोंग मार्केट के दुकानदार यहाँ से हटने को बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर बहुत वक्त हो चुका है। मेरी फैमिली यहाँ सबसे पहले आई थी, उसके बाद ये दुकान शुरू की मेरे डैड ने, और अब मैं संभाल रहा हूँ। ये मार्केट 30 साल पुराना है, मैं भी तभी से सामान बेच रही हूँ। पर रेलवे यहाँ पर उससे भी पहले से है। रेलवे को तो 100 साल से भी ज्यादा हो गए यहाँ पर। ट्रेन नंबर 4381 पास आ रही है, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, लेकिन यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा रोज का काम है, हमें टाइम मालूम है। और जब सिर्फ कुछ ही सेकंड्स रह जाते हैं, मार्केट के स्टॉल्स रेड सी की तरह एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। ट्रैक एकदम साफ नजर आने लगता है, और लोकल्स इसे टाला ड्रॉम पुप या द अम्ब्रेला पुल डाउन मार्केट कहते हैं। मुझे वहाँ के दुकानदारों और खरीदारों का तरीका बहुत अजीब और अच्छा लगता है। उनके लिए ये बहुत ही आम सी बात है। उनके लिए ट्रेन आने में अभी सिर्फ 15 सेकंड्स बचे हैं और वो बिल्कुल परवाह नहीं करते। अपना सामान उठाया, पैसे दिए और ट्रेन के आने से ठीक पहले वो वहाँ से हट जाते हैं। ट्रेन दिन में 8 बार इन स्टॉल्स को लगभग छू कर निकलती है, और ट्रेन के जाते ही ट्रैक फिर से ढक जाता है। स्टॉल्स अपनी जगह वापस आ जाते हैं और चीजों को खरीदने बेचने का सिलसिला फिर शुरू हो जाता है। मैंने दुनिया में बहुत अजीब अजीब तरह की ट्रेन्स को देखा है, पर इस जगह की बात ही कुछ और है। फॉरेनर्स को ये जगह अजीब लगती है, पर मुझे नहीं, क्योंकि मुझे तो यहाँ रहने की आदत हो गई है। मैं कभी भी इस इलाके से बाहर नहीं गई हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी अजीब है, नॉर्मल है ये। भाई अजीब का तो पता नहीं, लेकिन ना ये ट्रेन्स रुकने वाली हैं और ना ये दुकानदार झुकने वाले हैं।
अब नंबर 6 के लिए हम दुनिया की सबसे भरी हुई ट्रेन में चढ़ने के लिए इंडिया जा रहे हैं। थाईलैंड में लोग ट्रेन के आने पर रास्ता छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ ट्रेन से चिपक जाते हैं। पैसेंजर्स ज्यादा और जगह कम, नतीजा इन्हें हर रोज अपनी जान पर खेल कर काम पर पहुंचना पड़ता है। इंडिया की ट्रेन्स में इतनी भीड़ होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग छोटी से छोटी चीज को पकड़ कर लटक जाते हैं, छत पर चढ़ जाते हैं, अजीब सा नजारा होता है। और इसी वजह से हर रोज लगभग 40 लोगों की जान जाती है। दिल्ली की ट्रेन दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला सफर। दिल्ली सुबह के 8 बजे है। ये दुनिया के सबसे भीड़ वाले शहरों में से एक है और सभी को अपने काम पर पहुंचने की जल्दी है। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है नोली। गहरी धुंध का मतलब होता है ट्रेन के आने में देरी, और इस वजह से प्लेटफॉर्म पर हजारों की तादाद में पैसेंजर्स इकट्ठे हो जाते हैं। कविता कुमारी को यहाँ से ट्रेन पकड़ते हुए 10 साल हो चुके हैं। आई हूँ कंपनी जाती हूँ सादरा विश्वास नगर में, स्विच की फैक्ट्री, उसमें काम करती हूँ। हफ्ते में 6 दिन इन्हें यहाँ अपनी हिम्मत दिखानी पड़ती है, क्योंकि दिल्ली में प्लेटफॉर्म्स पर भी खतरा होता है। कभी कभी तो पैर में चोट लग जाती है, हाथ मुड़ जाता है, कोई सर पे मार देता है, कोई ऐसा कर रही है, कोई ऐसा कर रही है, ए तू क्यों कर रही है ऐसा, कोई चुपटी मार रहा है, ऐसे करते करते फिर लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होते फिर ऐसे। कुलदीप कुमार और इनके दोस्त रमेश को भी दिल्ली में अपने काम पर पहुंचना है। कुलदीप एक वायर फैक्ट्री में वाइंडर का काम करते हैं और रमेश का एक फ्रूट स्टॉल है। मतलब ट्रेन, यहाँ ट्रेन का जो रूट है वो सिर्फ 4 ट्रेनें चलती हैं इस रूट पे, वो 8 वाली है, एक 9 वाली है और एक एक्सप्रेस और एक 12 वाली है। तो सर ये जितनी भी 4 ट्रेनें जाती हैं ये सब लोडेड होके जाती है सर फुल। आखिरकार 1.5 घंटे की देरी के बाद एक ट्रेन आती है। इस लाइन पर नोली से पहले सिर्फ 3 स्टॉप्स हैं, फिर भी ट्रेन पूरी तरह भरी हुई है और ट्रेन के रुकते ही ट्रेन में चढ़ने का मुकाबला शुरू हो जाता है। आखिरकार कविता ने राहत की सांस ली, क्योंकि वो लेडीज कोच में चढ़ने में कामयाब रही। जब भीड़ का फायदा उठाकर लेडीज के साथ बदतमीजी के बहुत सारे मामले सामने आने लगे तो ट्रेन कंपनी ने इस तरह के कोचेस को तैयार किया। अब लेडीज तो जैसे तैसे लेडीज कोच में चढ़ जाती हैं, लेकिन कुलदीप और रमेश की मुश्किलों का क्या? इन्हें अपनाना होगा कोई और तरीका। ये कोशिश करेंगे ट्रेन की छत पर चढ़ने की, लेकिन इस ट्रेन में 1 इंच भी जगह नहीं है। अब इनके पास अगली ट्रेन का इंतजार करने के सिवा और कोई चारा नहीं, क्योंकि किसी भी और तरीके से सफर करना बहुत महंगा पड़ता है। फिर अदरवाइज यहाँ से इनका रोज का पर डे जाना आना इसमारी आदत पड़ गई, क्योंकि ऑटो वगैरह से जाते 6,000 इनकी सैलरी, मिनिमम 1500 रुपए ऑटो वगैरह में देंगे तो ये खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या, क्योंकि इन्हें अपने घर भी देना है, वहाँ भी इन्हें बहुत कुछ संभालना है। ट्रेन इस शहर की लाइफ लाइन है। इंडिया में पैसेंजर ट्रेन की बहुत ज्यादा अहमियत है। इंडिया एक हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है और अपने बेसिक ट्रांसपोर्ट के लिए अपने रेलवे नेटवर्क पर काफी डिपेंड करता है। ये ट्रेन्स लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती हैं, पर अब ये नेटवर्क अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है। बहुत सी जगहों पर अब भी पुराना सिस्टम लगा है और मुसाफिरों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। जो अगली ट्रेन आई वो भी खचाखच भरी हुई है, लेकिन इस बार कुलदीप और रमेश को इस पर किसी भी हाल में चढ़ना ही होगा। जब मैं घर से चलता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है, मुझे जहाँ जाना अपने शॉप तक मुझे पहुँचना है। इस बार इन्हें छत पर चढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। घर वाले डांटते हैं अंदर जाइयो,
तेरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगी, अंदर जाइए लुटक में जाइए, क्या करे बहुत सारी पब्लिक। ये सफर कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ट्रेन के बाहर लटकना ये तो पागलपन ही कहा जाएगा। आपका हाथ फिसला नहीं कि आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे लोग इंडिया में इसी तरह से मरते हैं। छत पे खड़े होना सफर को थोड़ा मजेदार लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक बना देता है। मतलब यही उम्मीद करते हैं कि आगे चल के थोड़ी राहत मिल जाए हमें, तो हमें इन चीजों का सहारा ना लेना पड़े, अपना आराम से आए आराम से जाए, बस यही उम्मीद। तो आखिरकार कुलदीप, रमेश और कविता अपने काम पर पहुंच गए हैं, देर से ही सही लेकिन सही सलामत। कुछ ही देर बाद एक और ट्रेन आएगी और इंडियन रेलवे नेटवर्क दुनिया की सबसे ओवरक्राउडेड ट्रेन्स मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती रहेंगी।